जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे करें। मनुष्य जीवन में जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप मनुष्य के द्वारा बनते रहते हैं। हर रोज चलते फिरते ना जाने कितनी चींटियां पैरों के नीचे दबकर मर जाती हैं। श्वास के द्वारा ना जाने कितने जीव अनायास ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको मोहवश मनुष्य स्वयं ही कर बैठता है। तो ऐसे जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए, यही प्रश्न महाराजा प्रशिक्षित ने आचार्य सुखदेव जी से किया था कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से हम मुक्त हो सकें। इन पापों के प्रायश्चित से बचने के लिए आचार्य सुखदेव जी ने 5 ऐसे नियम बताए जिनके द्वारा मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। वे 5 नियम कौन से हैं आइए जानते हैं। प्रथम नंबर पर आता है कि जब घर में रोटी बने, खाना बने, तो सर्वप्रथम उसमें से पहली रोटी हमें गाय को खिलानी चाहिए। गाय को खिलाने से मनुष्य पाप मुक्त होता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और सभी देवता आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है, हर रोज हमें चींटियों के लिए ग्रास निकालना चाहिए। चींटी दल जहाँ पर रहता है, जिस वृक्ष के नीचे रहता है, वहाँ पर कुछ आटा और कुछ मीठी वस्तुएं हर रोज चींटियों के लिए हमें देनी चाहिए। तीसरा आता है, तीसरा उपाय है कि प्रतिदिन अपने घर की छत पर या जहाँ पर पक्षी आकर बैठते हों, उन पक्षियों के लिए खाने की और पीने की व्यवस्था करना भी पाप से मुक्ति में बड़ा ही सहायक होता है। जहाँ पर पक्षी बैठते हों या अपने घर की छत पर, हमें उनके लिए कुछ भोजन और पानी की व्यवस्था अवश्य कर रखनी चाहिए। पाप शुद्धि के लिए चौथा उपाय आता है कि जब भी आप जलाशय पर जाएं, प्रतिदिन जा सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा जब भी आप जलाशय पर जाएं, तो वहाँ के लिए आप आटे की गोलियाँ बनाकर ले जाएं या अन्य कोई ऐसी वस्तु जो मछली खा सकें, मछलियों के लिए भोजन लेकर जाएं। मछलियों को भोजन कराने से, मछलियों को आटा खिलाने से पाप शुद्धि बड़ी शीघ्र हो जाती है। और 5वां आता है कि प्रतिदिन खाना बनाने के बाद आप, या खाना बनाते हुए स्टार्ट करने के साथ ही आपको अग्निदेव को प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। अग्निदेव को प्रतिदिन भोग लगाने से पाप बहुत जल्दी भस्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। तो पापों से बचने के लिए, पापों से प्रायश्चित के लिए ये 5 नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से इस कलयुग में पापों से बचा जा सकता है।